हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगिताज किचन। आज मैं आप सभी के सामने पकोड़ा कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है। जब आपका कोई सब्जी बनाने का या दाल बनाने का मन ना करे तो यह पकोड़ा कढ़ी जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पकोड़ा कढ़ी। पकोड़ा कढ़ी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम दही लिया हुआ है। ये मेरा घर का जमा हुआ दही है। दही जमाने की विधि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक बाउल में हमने बेसन ले लिया है, ये 150 ग्राम के लगभग बेसन है। अब हम इसे एक ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड कर लेते हैं। हम इसे ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड करेंगे, जिससे ये बहुत ही आसानी से और जल्दी ब्लेंड हो जाएगा और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने एक जार ले लिया है ब्लेंडिंग, इसमें हम दही ऐड कर देते हैं और बेसन भी ऐड कर देंगे इसमें हम। अब हम इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 लीटर के लगभग पानी ऐड कर देते हैं और ढक्कन लगा करके हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम चलते हैं कढ़ी को फ्राई करने के प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए हमने कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है। हम कुकर में कढ़ी बना रहे हैं। आप कोई भी मोटे तले का बर्तन ले सकते हैं। ऑयल ऐड कर देते हैं। 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच मेथी दाना ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा चटकने देंगे मेथी दाना को। 1 चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। राई भी ऐड कर देंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच खड़ा धनिया ऐड कर देंगे। 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे। थोड़े से फ्रेश करी लीव्स लिए, इसे भी ऐड कर देते हैं। 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। चला लेते हैं सभी चीज़ों को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 हमने मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट करके लिया है, इसे भी हम गुलाबी होने तक के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें राई ऐड कर देते हैं। राई में शुरू में ऐड करना भूल गई थी, आप शुरू में ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से भूंज लेते हैं हल्का गुलाबी होने तक के लिए। ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब हमने जो बैटर तैयार करा था, उस बैटर को ऐड कर देते हैं हम इसमें। तो हम यहाँ पर पूरा बैटर डाल देंगे और अब हम इसमें 1 से 2 ग्लास पानी और ऐड कर देते हैं। चला लेते हैं अच्छे से, मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। हम इसमें 2 ग्लास के लगभग पानी ऐड कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं सभी चीज़ों को अच्छे से और अब हम कढ़ी को मीडियम आंच पे पकने देते हैं अच्छे से। और बीच बीच में हम इसे चला लेंगे। जब तक कि कढ़ी पक रही है, हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पकौड़े के लिए मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया हुआ है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं इसमें। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं हम। 2 हरी मिर्च बारीक काट करके ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच अजवाइन ली हुई है हमने, इसे अच्छे से मसल करके डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और डाइजेस्ट भी होता है। 1 पिंच से भी कम हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ है इसमें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर तैयार कर लेते हैं पकौड़े के लिए। एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर गीला हो जाएगा और लम्स भी बढ़ जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से बैटर तैयार कर लिया है हमने, इस तरह के फ्लोइंग कंसिस्टेंसी के साथ। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, जब तक कढ़ी देख लेते हैं। तो कढ़ी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। फ्लेम को हम थोड़ा सा लो मीडियम कर देंगे और कढ़ी को पकने देंगे, क्योंकि कढ़ी जितनी पकती है उतनी ही टेस्टी लगती है। और हम इसे बीच बीच में स्टर कर लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा सेट हो चुका है, जो पकौड़े के लिए घोल तैयार किया था। अब हम इसे पकौड़े बना लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई पे हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है पहले से ही। इसमें चम्मच की सहायता से, हाथों की मदद से हम इस तरह से 1-1 चम्मच से हम डालते जाएंगे बैटर को और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो ये देखिए, हमारे पकौड़े अपने आप ही ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह से पकोड़े अगर ऊपर आते हैं तो हमारे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। एक बार में जितने पकोड़े आते हैं उतने डाल दीजिए और चारों तरफ से अलट पलट कर हम मीडियम आंच पे इसे तल लेंगे। तेज आंच पे नहीं तलेंगे, नहीं तो पकोड़े बाहर से तो अच्छे कड़क हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पकोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो हम इस तरह से साइड से टिका करके इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे पकोड़े निकाल लेते हैं ऑयल में से। तो ये देखिए, पकोड़ा हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम कढ़ी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, कढ़ी हमारी काफ़ी पक चुकी है और थिक भी हो चुकी है। पर अभी हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे।
क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि कढ़ी जितनी बॉईल होगी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा ढक करके पका लेंगे, पूरा ढक्कन नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा खुला ही रहने देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी हमारी काफ़ी पक चुकी है और थिक भी हो चुकी है। हम इसे एक बार स्टर कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी कढ़ी बन करके तैयार हुई है हमारी। अब हम इसमें जो हमने पकौड़े बनाए थे उसे ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं इसे भी, और 2 मिनट के लिए हम पका करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो ले लीजिए हमारी कढ़ी बनकर के तैयार है। पर अब हम इसमें एक फाइनल तड़का लगाएंगे जिससे हमारी कढ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी और सौंधी लगने लगेगी। तड़का लगाने के लिए हमने एक तड़का पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, 1 पिंच हींग ऐड कर देते हैं और चटकने देते हैं हींग और जीरे को। 2 खड़ी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे हम इसमें, हमने 8-10 कड़ी पत्ता ऐड कर दिया इसमें, और 2 सेकंड के लिए हम इसे चला लेते हैं इस तरह से। तो हमारा तड़का तैयार हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ कड़ी को एक बाउल में सर्व कर लिया है, उसी में तड़का लगा रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट कुकर या कढ़ाई में भी तड़का लगा सकते हैं। मिक्स कर देते हैं इसे सभी को अच्छे से कड़ी में। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर के तैयार है। इसको धनिया पत्ती से हम गार्निश कर देते हैं इस तरह से। तो ये लीजिए हमारी पकौड़ा कढ़ी बनकर के तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पकौड़ा कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।